नमस्कार प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक पेज 40 का केवल पढ़ने के लिए में एक कविता जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी हुई है। इस कविता में कवि चांद के कुर्ते का जिक्र कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनकी माँ के साथ उनकी बात जो है, चांद की बात जो है वो आपके साथ कर रहे हैं और बता रहे हैं कैसे चांद जो है वो अपने लिए कुर्ता सिलवाने को कह रहा है। और उनकी माँ जो है वो बड़ी ही दुविधा में है कि भाई चांद का कुर्ता किस दिन नाप लेके सिला जाए, क्योंकि जैसे आपको पता होगा, जब आपका कुर्ता सिलते हैं, आपके लिए कोई कपड़ा सिला जाता है, तो आपका नाप लेना बड़ा आवश्यक होता है और आपको स्पेशल दर्जी के पास जाकर अपना नाप देना पड़ता है ताकि कुर्ता जो है वो आपको बिल्कुल सही नाप का आपके लिए बने। और कुछ सालों बाद आपका कुर्ता जो है आपको छोटा भी हो जाता है। तो बच्चों, आपने चांद को तो देखा होगा, तो चांद हर रोज़ अपना आकार बदलता है। तो अगर चांद हर रोज़ अपना आकार बदलेगा तो माँ उसका नाप कैसे लेगी और कैसे उसका कुर्ता सिलेगी जो उसको हर रोज़ जो है वो आ जाए। तो इसी दुविधा में माँ है और इन दोनों की, चांद और उसकी माँ की बातें हो रही हैं। और बड़ी ही सुंदर कविता जो है वो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी हुई है। इस कविता का शीर्षक है चांद का कुर्ता। तो आइए देखें इस कविता में कैसे माँ बेटे जो हैं वो बात कर रहे हैं। तो चलिए गाकर इस कविता का आनंद लेते हैं। तो बोलेंगे हम, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला, सन सन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, सन सन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का, आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दे कुर्ता माँ कोई भाड़े का, ना हो अगर तो ला दे कुर्ता माँ कोई भाड़े का, बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने, बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा, कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई देता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई देता है, अब तू ही ये बतला नाप तेरा किस रोज लिवाए, अब तू ही ये बतला नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन दे आए, सीधे एक छिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? आशा है ये कविता अच्छी लगी होगी और आप भी इसे याद करें और